तो बस अभी मैं जा रही हूँ उनके यहाँ शामिल होने, छोटा सा प्रोग्राम है। और आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम हमारी उज्मा को उनके मायके छोड़ने से। आती हुई इस बार छोड़ रही हूँ तो बहुत अजीब सा अंदर से लग रहा है, अंदर से अजीब सी फीलिंग। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज मैं जा रही हूँ मेरी मुंह बोली बुआ के यहाँ पर एंगेजमेंट का और ग्यारहवीं का खाना है तो उसमें शामिल होने के लिए। तो चलिए गाइज अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। देखिए मैंने वही वाली चूड़ी पहनी है जो मैं आगरा से लेकर आई थी। एंगेजमेंट का प्रोग्राम है उसमें शामिल होने के लिए तो मैं जा रही हूँ, जाकर फटाफट से लौट के आती हूँ। फिलहाल अभी चलते हैं, मैं रेडी हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ बताइएगा। तो चलिए फिलहाल अभी चलते हैं। ये है मेरा न्यू नकाब जो कि लिया है मैंने आगरा से, और ये मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ कि ये मैंने कब लिया और कब मैंने आगरा से शॉपिंग की। उसी दिन की थी जब हम लोग गए थे, लेकिन आप लोग पता है ना, सोचिए मैं कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ कि मैं अपनी इतनी प्यारी चीज आप लोगों को बताना भूल गई हूँ। तो ये है मेरा नकाब और ये है इसका स्टॉल, और ये स्टॉल मैंने अलग से खरीदा है क्योंकि ये वाला बहुत ज्यादा पतला है तो बाल नजर आएंगे, और बाल नजर आएंगे तो नकाब पहनने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए तो फिलहाल इसको नहीं पहनेंगे हम, ये वाले को वेयर करेंगे इसके साथ में, बढ़िया मैच हो रहा है। तो चलिए अभी पहनती हूँ और दिखाती हूँ फाइनल लुक कि कैसी लग रही हूँ नकाब पहनने के बाद। पहन लिया है मैंने अपना न्यू नकाब और कुछ इस तरह का इसका लुक है, ये देखिए। तो गाइज अभी मैंने नकाब वगैरह तो पहन लिया है और मैं आ चुकी हूँ बाहर। हवी जी मेरा वेट कर रहे थे तो बस अभी हवी जी के साथ मैं जा रही हूँ, हम दोनों ही जा रहे हैं। रियान फरहान जो है ना वो कोचिंग गए हैं, शाम को आ जाएंगे तो वो भी आ जाएंगे। तो बस फिलहाल अभी चलते हैं, निकल आए हैं। लेट हूँ, लेट तो मैं हर जगह ही रहती हूँ, टाइम पे कभी कहीं नहीं पहुँचती। आ चुकी हूँ मैं पुप्पी के यहाँ एंगेजमेंट के प्रोग्राम में, और ये है मेरी बहन पुप्पी की बेटी जिसकी एंगेजमेंट है, बेटू शानिया, रियल नाम है शानिया। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, और आप लोग भी बताना कमेंट करके कि कैसी लग रही है बेटू। अभी आ गए हैं, थोड़ी देर में प्रोग्राम शुरू होने वाला है, आपको दिखाएंगे। ये रहा सारा सामान जो एंगेजमेंट में दिया जाता है लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को। तो यहाँ पर दो सोने की रिंगे हैं और पांच चांदी की, एक सोने का पैंडल है जो कि है सासू माँ के लिए, और तीन जोड़ चांदी की पायलें हैं और चूड़ियाँ हैं, सूट हैं, लेडीज़ और जेंट्स दोनों तरीके के सूट हैं, सभी घर के रिश्तेदारों को दिए जाते हैं। और कुछ ड्राई फ्रूट्स, चावल और गुड़, ये सब कुछ हमारे यहाँ पर दिया जाता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ होती है एंगेजमेंट। और देखिए पुप्पी कितना खुश हो रही है, मुझे देखते ही बहुत खुश हो गई थी और कह रही थी आ गई बेटा तो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। तो आ चुके हैं लड़के वाले और उन सभी का नाश्ता लग चुका है। तो अभी सबसे पहले नाश्ता होगा और उसके बाद होगी रस्म। तो देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं, और जब एंगेजमेंट का प्रोग्राम होता है ना तो सबके चेहरों पर चमक अलग ही होती है, बहुत खुश होते हैं लड़के वाले ख़ास तौर पर। और यहाँ पर रखा हुआ है लड़के वालों का सारा सामान जो कि लेकर आए हैं लड़की के लिए, मतलब कि दुल्हन के लिए। तो यहाँ पर वो भी रिटर्न में इसी तरह से सारा सामान लेकर आए हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं और लड़की का जो भी सारा सामान होता है वो सब कुछ है। और लड़की के लिए लेकर आए हैं सोने चांदी के सामान में, चांदी की पायल हैं और इयर रिंग हैं गोल्ड के और रिंग है। और अभी यहाँ पर चूड़ियाँ पहनाना शुरू कर दिया है, रस्म होना शुरू हो गई है। तो सबसे पहले चूड़ियाँ पहनाएंगे, यहाँ पर चूड़ियाँ तो पहना दी हैं और अभी पहनाएंगी ये रिंग जो इनकी ननद है बेटू की, और पायल पहना दी हैं फूफी सास ने, तो ये फूफी सास हैं बेटू की। और बस अभी रस्म जो है ना वो हो गई है और फ़ोटो क्लिक होना शुरू हो गए हैं बेटू के और सभी रिश्तेदारों के, और नछावर होना भी शुरू हो गई है। फूफी सास वगैरह ननद वगैरह सब लोग कर रही हैं, और ये मेरी फूफी बैठी हैं और उनकी बेटियां हैं सभी लोग, तो सबके फ़ोटो क्लिक हो रहे हैं यहाँ पर बारी बारी से। सभी बहनें बैठ गई हैं, दोनों फूफियों की बेटियाँ हैं ये दोनों, और दोनों फूफी सासें हैं बेटू की, और ये बैठ गए हैं भाई लोग भाभी। तो बस सभी लोगों के फ़ोटो इसी तरह से क्लिक होते रहेंगे, प्रोग्राम चलता रहेगा। तो बस ये सब बच्चा पार्टी बैठ गई है, ये दोनों बड़ी फूफियाँ हैं, मुझे भी बिठा लिया है। चल रहा है सभी लोगों का खाना, दुल्हन के साथ बैठे हैं ननद भाभी, खाना खा रही हैं, बुआ सासें हैं, रसम। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर पर, बहुत अच्छा प्रोग्राम था बुआ के यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा, सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया और सभी लोग बहुत प्यार देते भी हैं, बहुत अच्छे हैं सब लोग। तो गाइस कभी कभी खास रिश्ते उतना नहीं निभा पाते जितना हम बनाते हैं वो निभा देते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मतलब इतना याद रखा कि हम मुरैना में मेरी कोई भतीजी है, मुंह बोली भतीजी है, उन्होंने मुझे याद रखा, बिल्कुल मेरी रियल बुआओं जैसा मुझे प्यार करते हैं सभी लोग। और मेरी रियल बुआएं मेरी फूफी हैं, वो तो आपने देखा ही है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है मेरी तीनों फूफी हैं, इंतकाल हो गया है, दो अभी हैं और वो दोनों बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार करती हैं। मैं जब भोपाल गई थी आपने देखा होगा। तो फिलहाल अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम हमारी उज्मा को उनके मायके छोड़ने से। अभी हम जा रहे हैं उज्मा को उनके मायके छोड़ने के लिए,
क्योंकि उनकी यहाँ पर है उनके फूफीजान के बेटे की शादी, तो इसलिए वो शादी में शामिल होने के लिए जा रही हैं और काफी टाइम से गई भी नहीं है, बहुत टाइम हो गया है। और भाई वगैरह को टाइम नहीं था तो अभी जी कहने लगे कोई बात नहीं है मैं छोड़ दूंगा, तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं हस्बैंड को छोड़ने। अभी मैं अकेली अकेली फिर से हो जाऊंगी, कोई नहीं थोड़ी देर बाद हमारी हस्बैंड वापस आ जाएंगी, फिर से हम दोनों बहनें एक साथ हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ, नकाब पहनना बाकी है, उसमें थोड़ी सी रह गई है रेडी होना, तो वो रेडी हो रही है, मैं फटाफट से नकाब पहन लेती हूँ। तो बस अभी दोनों ने नकाब पहन लिए हैं, दोनों तैयार होकर बाहर आ गए हैं, तो बस अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग आगरा के लिए थोड़ी देर में। और यहाँ पर हमारे रेहान फरहान कर रहे हैं गाड़ी को साफ, और आज ये दोनों नहीं जा रहे हैं क्योंकि इन लोगों की कोचिंग वगैरह है, तो ये अपने स्कूल वगैरह देखेंगे, कोचिंग वगैरह जाएंगे, क्योंकि आते आते हमें हो जाती है रात, तो इसलिए हम बच्चों को नहीं ले जा रहे हैं, अभी हबी जी और मैं ही जा रहे हैं, तो बस उस माँ को छोड़कर आते हैं वापस। तो चलिए अभी चलते हैं। देखिए गाइस कितना लंबा जाम है, अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर आगे, कब तक खुलता है ये जाम। हमारा आधा सफर तय हो गया है और आधा तय होना बाकी है, आ चुकी है जा रही है मुझे छोड़कर अकेले अकेले गाड़ी में बैठते ही फैल जाती है, इन्हें नींद आने लग जाती है। कैसा लग रहा है घर जाने के लिए यार, अचानक से इन्हें सरप्राइज मिला है, ये इन्हें नहीं पता था कि ये जाएंगी घर सरप्राइज दिया है मैंने इन्हें, कैसा लग रहा है घर जाते हुए। वही कलरफुल चूड़ियां पहनकर आई है, ये देख भाभियों को दिखाएंगी, देखो भाभी कितनी प्यारी चूड़ियां आए हमारी, मैंने नहीं पहनी आज, मैंने तो एक ही कंगन वेयर किया है, मैंने तो बस एक ही कंगन पहना है, मुझे सफर में बहुत उलझन होती है, ज्यादा चूड़ियां मैं नहीं पहन पाती हूँ, हल्की फुल्की सी डालती हूँ बस। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं, इस आगरा एंटर हो चुके हैं और खाना पीना शुरू हो गया है, अमरूद खा रही है, केले खा रही है, मैं खा चुकी हूँ क्योंकि हम लोगों को सफर में हल्की फुल्की भूख लगने लग जाती है, तो उसके लिए मैंने अमरूद और बनाना रखे थे, अभी खा ली है और उसमें अभी हमारी खाई रही है घर जाने की खुशी में खाना कल से छूट गया है, कल भी खाना कम खाया था रात में और अभी भी नाश्ता हल्का फुल्का ही किया था इन्होंने, और अब ये मैं दे रही हूँ तो कह रही हूँ खिल ली रहा, अच्छा नहीं लग रहा क्यों खिलेगा माई की जाने की खुशी में अम्मा ने घर अपने गार्डन के अमरूद रखकर लेकर आए थे, बहुत टेस्टी हमारे गार्डन के अमरूद, मीठे मीठे यम्मी यम्मी बस अभी जा रहे हैं उस माँ के घर, पहुंचते हैं इन्हें छोड़ते हैं और फिर वापस निकल जाएंगे मुरैना के लिए। आगरा आ चुके हैं और अभी आए हैं हम हमारी उस माँ के भैया से मिलने के लिए, और ऊपर जो काम चल रहा है वो भी देखेंगे, ये खड़े अली भाई, और ये है दुकान मेडिकल उस माँ का, और अभी जा रहे हैं ऊपर। ऊपर जा रहे हैं, ऊपर काम चल रहा है वो देखने जा रही है उस्मा, करिए मर्जी चलो, तो आप भी देख लेना और मैं भी देख लूंगी। अभी निकल रहे देखिए, दिखाने ले जा रहे हैं भाई हमें ऊपर, काम चल रहा है अभी यहाँ पर, ये उसमें जा रही है आगे आगे मैं पीछे पीछे देखे मैं तो थक गई ऊपर चढ़ते चढ़ते सांस फूलने लग गई उसमें, नीचे नीचे बन रहा है ना भाई, ऊपर नहीं बन रहा। ये हमारी कार खड़ी है और अभी जाएंगे आगे उस माँ के घर, घर नहीं गए अभी, यही बीच में रुक गए हम दुकान पर ही रुक गए हैं उस माँ दुकान देखने के लिए, चाचा की दुकान है, शॉप देखना थी अली भाई की, तो इसलिए हम यहीं रुक गए हैं, और ऊपर चल रहा है काम और दुकानें बन रही हैं ऊपर भी, और इधर उस माँ बता रही है चाचा की दुकान है, क्लिनिक खुल जाएगा, उस माँ बता रही है मुझे कि बाजी इसलिए बनवाया है ऊपर, चले उस माँ है उस माँ, अब जा रहे हैं उस माँ के घर, वहाँ पर भी सब लोग वेट कर रहे हैं हम लोगों का, उस माँ ने सुबह ही कॉल करके बोल दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, तो बस अभी चल रहे हैं। ये दुकान है अली भाई की, अभी जी हमारा वेट कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ, चले लो देख, आ चुके हैं उस माँ के घर, अभी उतर लेते हैं, छोड़ देते हैं उस माँ को। उस्मान भाई कहाँ गए, भी आ गए, ये आ गए भाई, वालेकुम अस्सलाम भाई, आ गए हमें लेने के लिए मोहम्मद भाई भी आ रहे हैं, देख लो भाई कितना बड़ा बैग लेके आई है हमें डराने के लिए बाजी बहुत दिन में आऊंगी, जल्दी नहीं आऊंगी
ब्लॉग भैया करेंगे, हम छोड़ने। अब मैं फिर से पूछ रही हूँ कैसा लग रहा है, इनकी गली आ गई, गाड़ी में तो नहीं बोल रही थी, इनको लग रहा था कि शायद बाजी वापस ना ले जाए, तब नहीं बोल रही थी। मैं अभी फिर से पूछ रही हूँ कैसा लग रहा है, अब तो तुम अपने अपने एरिया में आ गई ना, अब तो बता दो सबको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा लग रहा है, गली में आते ही आवाज आ गई। ससुराल में नहीं निकलती है, सब लड़कियों के साथ यही होता है, ससुराल में आवाज़ नहीं निकलती, ससुराल के बाहर निकलते ही आवाज आ जाती है मुंह में। तो बस अभी आ गए हैं, ये मैं आते ही इस बार छोड़ के जा रही हूँ, बड़ा लग रहा है। देखिए भाभी भी हमें विदा करने आ रही, अंदर से अजीब सी फीले आ रही है, घर जाऊंगी तो कोई नहीं मिलेगा, उसमें यहीं रह जाएंगी, बहुत बेकार लगेगा उसमें, बहुत ही ज्यादा बेकार लगेगा, एक दूसरे के आगे पीछे रहते हैं दोनों, अब देखते हैं कैसे कटेगा टाइम। बिजी रखूंगी अपने आप को, तुम आओगी जब तक सिलाई विलाई में। हाँ ठीक है, अम्मी भी जा रही है छोड़ने। गाइस उज़मा को तो छोड़ आए हैं, मेरा मन कर रहा था गुलाब जामुन खाने का, मेरा भी बच्चों का भी, तो यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो कुछ गुलाब जामुन जो है ना वो मैं फ्राई कर रही हूँ, और कुछ हमारे चाशनी में मैंने डाल दिए हैं, देखिए कितने लाजवाब लग रहे हैं ना। तो बस अभी हमारे गुलाब जामुन बनने की प्रोसेस चल रही है, ये रहा हमारा डो, और ये रही हमारी स्टफिंग, और ये मैं गुलाब जामुन के अंदर डालती हूँ ये छोटे वाले बताशे, जिसकी वजह से बहुत अच्छे बनते हैं बहुत। तो गाइस छोड़ आए हैं उज़मा को, घर हमारा बहुत ज़्यादा खाली खाली सूना सूना लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने लोग चले गए हैं घर से, क्योंकि वो हमेशा चलती फिरती रहती हैं, आगे पीछे रहती हैं, मेरे बाजी बाजी करती रहती हैं। तो फिलहाल खैर कोई नहीं, आ जाएंगी कुछ देर में, थोड़े दिन के लिए गई हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो वही मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, जल्द लौट कर आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।